हाय दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हो सभी लोग क्या हाल चाल है गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग चलो फिर क्लास की शुरुआत कर सकते हैं क्या बैठ सकते हैं अपनी सेशन की तरफ ओके okay. सो so, आज हम लोग जितने भी वीकली करेंट अफेयर्स हैं उसको क्विज के फॉर्मेट में कर लेंगे ठीक है जिनके भी आज फर्स्ट क्लास है सभी लोग ध्यान से सुन लो कि वीकली करंट अफेयर्स में हम क्या करते हैं जो भी हफ्ते भर पढ़ा रहता है उसकी रिवीजन करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम दिस एक और भी बात ध्यान से सभी लोग सुनिएगा वीकली करंट अफेयर्स जब भी हम लोग करते हैं तो इस करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो छूट जाती हैं तो उसको भी हम आज के सेशन में कवर कर लेते हैं ठीक है तो चलो फिर शुरू करते हैं और हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं बाकी लोग कहाँ पर रह गए आज पता है क्या वीकेंड में चले गए सारे वीकेंड में तो नहीं जाते थे इसी वीकेंड में गए बस गुड मॉर्निंग चलो ठीक है शुरू कर रहे हैं दोस्तों okay? सबसे पहला देखिएगा कौन सी एयरलाइन ऐसी पहली इंडियन करियर बनी है जिन्होंने स्टैब्लिश किया है डायरेक्ट कनेक्टिविटी हैदराबाद और कोलंबो के बीच में ठीक है तो ऐसी कौन सी पहली एयरलाइन है जिसने कनेक्टिविटी स्टार्ट करी है हैदराबाद और कोलंबो के बीच में ऑप्शन है आकाश एयर गोफर्स्ट इंडिगो एयर इंडिया या फिर एयर एशिया बताइएगा हाँ भाई दोस्तों देखो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा इंडिगो इंडिगो ऐसी पहली कैरियर बन गई है जिसने अभी अभी रूट स्टैब्लिश किया या कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करी है हैदराबाद और कोलंबो के बीच में तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इट इज इंडिगो अच्छा एयर इंडिया से आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि एयर इंडिया ने अभी अभी टू हंड्रेड मिलियन डॉलर खर्च करने को कहे हैं किसके ऊपर अपने वहां की पायलट ट्रेनिंग और केबिन क्रू ट्रेनिंग के ऊपर तो ये पॉइंट भी जरा आप लोग ध्यान रखिए रहेगा ये काफी ज्यादा न्यूज में थी इस वजह से ठीक है तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में एयर इंडिया भी कर सकते थे बट एयर इंडिया हेयर विल बी रॉन्ग ठीक है इसका आंसर क्या होगा देखा आपने अगला देखो सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी इनोग्रेट किए इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस ये इन्होंने कहाँ पर इनोग्रेट किया था नेहरू साइंस सेंटर मुंबई दिल्ली जयपुर गांधी या बेंगलुरु ओके okay. मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं नई दिल्ली इज करेक्ट ठीक है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस की इनग्रेशन नई दिल्ली के अंदर की गई थी और यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किए थे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे कैसे जस्टिस को और फास्ट किया जा सकता है मुंबई से आप लोगों को क्या याद रखना होगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को ठीक है मुंबई में क्या हुआ था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ठीक है सिर्फ मुंबई में ठीक है ये पर्टिकुलर जगह नहीं ये मुंबई के अंदर हुआ था इसके अलावा आप लोगों को दिख रहा है जयपुर जयपुर में क्या हुआ था दोस्तों जयपुर के अंदर डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था ठीक है क्या हुआ था डैम सेफ्टी फिर हम एक जगह दिख रही है गांधीनगर गांधीनगर में क्या हुआ था दोस्तों गांधीनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस हुआ था ठीक है क्या हुआ था और फिर लास्ट में दिख रहा है बेंगलुरु तो बेंगलुरु के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा ग्रीन ऑफिस स्पेस है ठीक है ध्यान रखिएगा नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है जी इसमें आपसे पूछा जा रहा है एस से क्या होगा स्किल स्कीम सोसाइटी सर्विस साइंस ठीक है जी के अंदर एस क्या है बताइएगा गुड मॉर्निंग मुझे क्या आंसर है ए ए इज इज स्किल इज ठीक है है इसका आंसर सर्वे जीसीएस का फुल फॉर्म देखिएगा जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे तो उसके मुताबिक आपका आंसर क्या होगा सर्वे ठीक है देखो अभी अभी मनोज आहूजा जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर इन्होंने लॉन्च किया था मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम था जीसीईएस -E यानी कि जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे ठीक है तो जी कंफ्यूज होना ये एक रिवॉल्यूशनरी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको डिजाइन किया गया ताकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बेहतर किया जा सके अगला देखो सितंबर 2023 में इंडिया ने टेम्प्रोली सस्पेंड कर दिया था किस देश में जो है विजाज को ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएसए चाइना या पाकिस्तान ओके okay, तो आपसे पूछा जा रहा है किस देश के वीजा को इन्होंने क्या कर दिया था कैंसिल कर दिया था ये किया गया था कनाडा में ठीक है कनाडा में जो भी कनाडा के जितने भी वीजा थे उनको इन्होंने क्या कर दिया था कैंसिल कर दिया था इसके अलावा यूएसए से याद रखीजिएगा यूएसए ने अभी अभी वन मिलियन वीजा देने का रिकॉर्ड बनाया है और जो पूरे ये वीजाज दे रहे हैं उसमें से जो दस प्रतिशत वीजा है वो केवल और केवल भारतीयों को दिया जा रहा है तो ये भी पॉइंट हम लोगों ने कर लिया था चलो अगला देखो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एआई चैट बोर्ड किस स्कीम के लिए लॉन्च किया गया था एआई चैट बोर्ड को ऑप्शन में है वाइब्रेंट विलेज प्रधानमंत्री किसान मानधन कृषि उड़ान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या किसान सम्मान निधि हाँ भाई तो किस स्कीम के लिए ये एआई चैट आया था ये आया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर ठीक है देखो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने इसकी लॉन्चिंग करी थी एआई आई चैट बोर्ड है इसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके तहत जो भी किसान सम्मान निधि स्कीम है इसको और बेहतर और एक्यूरेट बनाया जाएगा किसान सम्मान निधि क्या होता है दोस्तों देखो ये एक योजना होती है भारत सरकार इसको दो के बजट में अनाउंस करी थी इसको लाने का मकसद क्या था कि जितने भी हमारे देश में फार्मर्स हैं, इनको छ हजार रुपये दिए जाएंगे पूरे साल में कैसे दो दो हजार रुपए दिए जाएंगे हर चार महीने पे। इस तरीके से इनको कंट्रीब्यूट किया जा रहा था ताकि जो भी इनकी नीड्स हैं क्रॉप रिलेटेड उसको पूरी की जा सके ये किसान सम्मान निधि अब इसी को थोड़ा और एक्यूरेट बनाने के लिए एक एआई आई आ गया है ओके okay? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने रिड्यूस किया है कट ऑफ परसेंटाइल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस का नीट पीजी काउंसलिंग के लिए अब जो परसेंटाइल है जिसको रिड्यूस करके कर दिया गया है हर कैटेगरीज में ये रिड्यूस कितना कर दिया गया है जीरो परसेंट वन परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट या नन ऑफ दी

इनोग्रेट करने वाले कौन थे अमित शाह नरेंद्र मोदी पीयूष गोयल द्रौपदी मुर्मू या फिर जगदीप धनकर हाँ भाई इसका आंसर क्या है इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू ठीक है तो देखिएगा जरा कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोग्रेट किया पहला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पर कहा लोग ट्रेड में कितनी कैपेसिटी उसको शोकेस करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था कहा ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रेटर नोएडा के अंदर इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के तहत दो दिन का फोर्थ और आखिरी मीटिंग हुई है जी ट्वेंटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की कहां पर हुई है खजुराहो मैसूर उदयपुर वाराणसी या मुंबई ओके okay. तो ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है इसका इनोग्रेशन हुआ है खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है तो इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के तहत दो दिन का चौथा और आखिरी मीटिंग हुआ है जी ट्वेंटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का और ये खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है ठीक है अकॉर्डिंग टू by ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन रिपोर्ट school and higher स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम to vocational एजुकेशन ठीक है तो कितने पैसे कितने परसेंट ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनके पास में वोकेशनल एजुकेशन की एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पचहत्तर पचास चालीस तीस या बीस कितने परसेंटेज होने चाहिए बताइएगा गुड मॉर्निंग दोस्त पचास परसेंट ठीक है तो एनईपी के मुताबिक इन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और आ, इनके पास में कम से कम ऐसे पचास प्रतिशत ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनके पास में वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ठीक है फोर्थ नदी उत्सव कमेंस किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन न्यू दिल्ली जो रिवर है ये किस पर्टिकुलर नदी पर फोकस करके किया जा रहा है गंगा यमुना इंडस कवेरी या फिर कृष्णा हाँ भाई ये फोकस्ड है यमुना रिवर पर ओके तो देखो जरा इसका सही आंसर है यमुना चौथा नदी उत्सव है ये कमेंट्स किया जा रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में जो रिवर है इसका थीम ये जो फोकस करेगी यमुना पर है यमुना के किनारे बेसिकली जो है कई सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और ये बेसिकली नदी उत्सव है जिसको अलग अलग जगह किया जाता है इस बारी दिल्ली के अंदर हो रही है ठीक है कौन सी नदी के पास में यमुना Along with which nations, Army Defence Ministry of Indian Army will co-host a joint military conference in New Delhi from 25 to 27 September. ठीक है? तो कौन सी देश के military के साथ में हमारी जो Defence Ministry है ये launch करने वाली है एक joint military conference नई दिल्ली में USA, South Korea, Japan, France या फिर Australia. हाँ भाई इसका आंसर क्या इसका है इसका आंसर है यूएसए जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडियन आर्मी के और यूएसए आर्मी ठीक है इन्होंने मिलकर के को होस्ट किया है एक जॉइंट मिलिट्री ठीक है इन्होंने क्या होस्ट किया है एक जॉइंट मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को और ये कहाँ पर किया गया ये है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नई दिल्ली में किया गया है जो चीफ ऑफ आर्मी थे और बाकी डेलीगेट्स थे वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें मिलकर के इन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग एक दूसरे की आर्मीज को और ज़्यादा स्ट्रेदन कर सकते हैं ठीक है अगला साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया एक नया स्पीसीज कहां से फ्रॉम वेस्ट नोन एज गर्नर्ट्स और सी रॉबिन्स ठीक है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिस्कवर किया एक नया स्पीसीज कहाँ का किया है ऑप्शन देखो और आंसर करो ऑप्शन में क्या क्या है फ्रेश वाटर फ्रेश मरीन फिश सी अर्चिन ऑफ दी अबव केवल वीकली सेवन पर होती है कितनी बार तो मैंने बताया दोस्तों तुम लोगों को केवल वीकली सेवन पर होगी डेली वाली क्लास आपकी सिक्स फोर्टी फाइव पर ही होगी जितने पे होती है हाँ भाई तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ की फ्रॉम वेस्ट बंगाल इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मरीन फिश तो जो जोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट है इन्होंने डिस्कवर किया एक नया स्पीसीज मरीन फिश का वेस्ट बंगाल में

क्या था स्वाति नायक हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि ये जो है ये कहा से होती है ये होती है ओडिशा से है ना नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को और इनकी अभी अभी क्या हुई है इनकी अभी अभी डेथ हुई है तो वो एक पॉइंट आप लोग याद रखी रहिएगा ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कंसिडर किए जाते हैं ठीक है अच्छा ये बताओ फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन कौन होते हैं ये भी मैंने आपको शायद से बताया था आपको याद हो फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन कौन है

अमान से हरावत अंतिम फांगल दिव्या ककरान मानसी हलावती अभिमन्यु मुझे क्या मिल रहे हैं बी 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 देखो इसका आंसर क्या है अंतिम फांगल ठीक है तो यंग इंडियन रेसलर अंतिम फांगल ने सिक्योर किया है ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स की फिफ्टी थ्री के जी कैटेगरी में ठीक है किसमें वुमेन्स की के 53 केजी कैटेगरी के में कहाँ पर जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है बेलग्रेड सर्बिया में यहाँ पर साथ ही साथ में इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भी अपनी जगह बना ली है अब ठीक है रिसेंटली सितंबर 2023 में कौन से इंडियन एक्टर की मृत्यु हो गई है 67 वर्ष की उम्र में नीतीश भारद्वाज अरुण गोविल मुकेश खन्ना अखिल मिश्रा या आनंग देसाई तो यहां पे आपसे ऑबिटोरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसकी मृत्यु हुई है है ना बताइएगा अखिल yes. मिश्रा जी की मैंने आप लोगों को फोटो भी दिखाई थी ये हिंदी अध्यापक बनते हैं थ्री इडियट्स में अभी अभी इनके फिलहाल में मृत्यु हो गई है ठीक है अगला इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज को सेलिब्रेट करते हैं हर साल तेईस सितंबर को पहली बार ये किस साल में सेलिब्रेट किया गया था 2004 15 चार पंद्रह दो या 2002 ओके okay. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज होता है इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग और हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है कब आ, हाँ तेईस सितंबर को इस बार का इसका अरे पहली बार इसको कब मनाया गया था तो ये पहली बार 2018 में मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इससे क्या होता है कि जो लोग भी आ, मतलब साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी डेली कम्युनिकेशन में या जो लोग भी डेफ वगैरह हैं उनको हेल्प करता है तो उसको और ज्यादा जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ठीक है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स चैनल हैज डेब्यूटेड एज ऑफिशियल इवेंट एट एशियन गेम्स 2023 ट्वेंटी टेन स्पोर्ट्स न्यू स्पोर्ट स्टार स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स या फिर जी स्पोर्ट्स इसका आंसर क्या है ई e स्पोर्ट्स ठीक है ई e स्पोर्ट्स जो है ये ऑफिशियली डेब्यू किया एक पर, कब? 2023 में, फीचरिंग titles, 30 मोदी जी ने जो है नींव रखी है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कौन से शहर में वाराणसी प्रयागराज मैसूर नागपुर या फिर उदयपुर ठीक है क्या पूछा जा रहा है इन्होंने नीव रखी है कौन से शहर में क्रिकेट स्टेडियम बनने की नींव रखी है ए यानी कि वाराणसी अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि वाराणसी में क्या हुआ था वाराणसी में यही हुआ था वाराणसी में एक क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है और इसको बहुत ज्यादा मतलब शिव जी के कंपेयर मतलब शिव जी के चीजों से इंस्पायर होकर के इसको बनाया जाएगा ठीक है जैसे डमरू त्रिशूल या जो उनके ऊपर का ये इज्जत होता है ये सारी चीजों से इम्प्रेस होकर इसको बनाया जा रहा है ठीक है ना अच्छा एक और भी बात याद रखी रहिएगा पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी स्टेडियम है वो भारत के अंदर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो दूसरी होती है ये ये लंदन में होती होती है 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 सॉरी यूके की स्टेडियम ठीक तो ये दो पॉइंट्स को को भी जरा आप लोगों ध्यान रखना है अगला यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो की ओवरसी करती है लाइट हाउसेज अक्रॉस द नेशन इन्होंने अनवील किया एक ग्रैंड प्लान कि ये ट्रांसफॉर्म करेंगे कितने लाइट हाउसेस को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर ऑप्शन में सौ पचहत्तर पचास पच्चीस या एक सौ पच्चीस पचहत्तर आंसर मिल है मुझे देखो इसका सही आंसर है पचहत्तर ठीक है तो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज़ है इन्होंने ओवरसी किया है लाइट हाउस को पूरे देश भर में और इन्होंने कहा है कि पचहत्तर ऐसे लाइट हाउसेज होंगे जिसको ये क्या करेंगे जिसको ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे ताकि पुरानी सभ्यता आज, आज भी हमारे वहां पर जीवित रहे ठीक है तो इसके लिए एक लाइट हाउस फेस्टिवल भी किया गया है और ये गोवा के फोर्ट पे किया गया था ठीक है अगला सितंबर 2023 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि जो बेसलाइन लाइन एस्टिमेट रहेगी जीडीपी ग्रोथ की फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये कितनी रहेगी बेसलाइन जीडीपी ग्रोथ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन से फाइव पॉइंट फोर परसेंट सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट एट सेवन पॉइंट टू या फाइव पॉइंट सेवन इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंटेज ठीक है तो इंडिया की इकोनॉमी को अभी कहा जा रहा है कि ये थोड़ी सी ब्राइट है बाकी कम, बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में और इसी बात का ध्यान रखते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने कहा है कि जो बेसलाइन एस्टिमेट रहेगा जी ग्रोथ का वो कुछ सिक्स पॉइंट फाइव के आ, करीब करीब रहेगा इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी है ये सेवन की ग्रोथ दिखाई है और अभी भी बोला जा रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से कंपैरेटिवली कम है लेकिन आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी फिर फ्लरिश करेगी ठीक है <coughs> अगला सितंबर 2023 में कौन से बैंक ने अनाउंस किया था नियो फॉर बिजनेस यस बैंक आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक एच या फिर इंडियन बैंक ठीक है नियो फॉर बिजनेस किसका एक प्रोडक्ट है ओके okay, तो ये भी हम लोगों ने पूरा कर लिया था नियो फॉर बिजनेस जो प्रोडक्ट है ये एक्सिस बैंक का है एक्चुअली नियो जो नाम होता है ना उसको एक्सिस बैंक से याद रखे रहा करो तो खैर नियो फॉर बिजनेस एक्सिस बैंक का एक प्रोडक्ट है और इसमें इन्होंने कहा है कि जितने भी एम हैं एम के लिए एक तरीके का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हर एक सुविधा उनको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ठीक है एक्सिस बैंक के बारे में बाकी बातें कर लें तो इनकी स्थापना की गई है तीन दिसंबर को यूटीआई बैंक की तरह से इनका जो हेड ऑफिस होता है मुंबई के अंदर होता है एमडीसी होते हैं अमिताभ चौधरी जी और टैग लाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी ठीक है कौन से मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म ने प्लान किया है कि ये इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को अपने वहां पर शोकेस करेगी बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर ऑप्शन है गोल्डमेंट सैश बैंक ऑफ चाइना जेपी मॉर्गन एआईए ग्रुप या फिर अलायंस ओके okay, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों ये निर्णय लिया गया है जेपी मॉर्गन के द्वारा कि ये जो भारत की जो सरकारी बॉन्ड सिक्योरिटीज़ है इनको अपने वहां पर इंडेक्स पे शोकेस करेगा ठीक है किसने कहा है जेपी मॉर्गन ने और इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा करने से हो सकता है कि भारत की वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ चालीस से पचास बिलियन डॉलर तक बढ़ सके तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे भारत की सरकारी सिक्योरिटी जो है जो अब वहां पर शोकेस की जाएगी वहां पर जब शोकेस की जाएगी तो नए इन्वेस्टर्स जाहिर सी बातें मिलेंगे ठीक है यहाँ पे जेपी मॉर्गन के बारे में बाकी चीजें लिखी हैं इनकी स्थापना अठारह में हुई थी फाउंडर थे पी मॉर्गन हेड ऑफिस होता है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इनमें से कौन हेड कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को जिसकी गणना की गई थी सितंबर 2023 में प्रतिमा पाटिल रामनाथ कोविंद यशवंत सिन्हा एल के आडवाणी या स्मृति ईरानी बताओ भी क्या पूछा जा रहा है इनमें से कौन हेड कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी जिसको स्थापित किया गया था सितंबर 2023 में ठीक है ये कौन कर रहा है रामनाथ कोविंद जी ठीक है तो जो इश्यू है वन नेशन वन इलेक्शन का इसको आगे ले जाया जाए जाएगा और एक हाई लेवल कमिटी बैठाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता की जाएगी हमारे पूर्व रह चुके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या होता है ठीक है तो उसी को लेकर के एक मीटिंग बैठाई गई है कि इसको किस तरीके से आना चाहिए क्या ये सही है मतलब ओवरऑल रिव्यू करने के लिए जो कमिटी है रामनाथ कोविंद जी के अंडर बैठाई गई है चलो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय कनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन बिकम वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी हांगकॉन्ग चाइना सिंगापुर मलेशिया या इंडिया इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि फ्रीएस्ट इकॉनमी बना है बताइएगा ओके। इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सिंगापुर ठीक है तो सिंगापुर ने जो है अभी अभी हांगकांग को पिछले कई साल से हांगकांग इस गद्दी पर था लेकिन अभी सिंगापुर ने हांगकांग को उसकी गद्दी से हटाकर और वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकॉनॉमी का खिताब ले लिया है फ्रीएस्ट इकोनॉमी बहुत सारे सेंस में कहा जाता है कि वहाँ पे बिजनेस कितने आराम से काम कर सकते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी है तो हर एक चीज को देख करके फ्रीएस्ट इकोनॉमी का किताब देते हैं फिलहाल में ये किताब सिंगापुर के पास आ चुका है और वर्ल्ड पिछले कई साल से टॉप पर रह रहे हांगकॉन्ग को इन्होंने पीछे कर दिया है ये देखिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत ध्यान से देखो सिंस इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स स्टार्टेड इन इंडेक्सारेवन हॉन्गकॉन्ग स्लिप्ड टू यानी कि 1970 के बाद से लेके अब जाकर ये पोजीशन पर आया ऑर्गेनाइज करेगी चौथा चरण इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरलबर इन न्यू डेली तेजस्वी सूर्य वरुण गांधी किरण खेर सॉरी हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ आई तेजस्वी सूर्या वरुण गांधी किरण खेर अनुराग ठाकुर या विनय सहस्रा बुद्धि क्या है, है चौथा चरण ठीक है किसका इंडो लैटिन अमेरिकन ऑफ कोलंबिया इक्वेडर एंड चिली तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे न्यू दिल्ली में आईसीसीआर के प्रेसिडेंट उसमें इन्होंने बताया था कि काफी वाइब्रेंट सेलिब्रेशन इसका करने वाले हैं ओके अगला एज पर न्यू रिसर्च रिल्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर इज नियरिंग एक्सटेंशन ठीक है तो लार्जेस्ट फ्लावर है कौन सा जो कि एक्सटेंशन के करीब जा रहा है मॉन्स्टर फ्लावर कोप्स फ्लॉर टेलीपोट पॉम क्वैकिंग एस्पिन या फिर सन फ्लावर मुझे क्या आंसर मिल रहे हैं ए ए यानी कि मॉन्स्टर फ्लावर इसका आंसर क्या है इसका आंसर है मॉन्स्टर फ्लार ठीक है तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लार यानी कि रेफलेशिया ये एक्सटिंक्शन के करीब आ रहा है नए रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि जो रेफलेशिया है इसको इसकी रेड पेटल्स और डेड फ्लैश की जो स्मेल आती है उसकी वजह से जाना जाता है हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये एग्जिस्ट ही ना करे इसको विश्व का सबसे बड़ा फ्लार माना जाता है रेफ्लेशिया जो है ये एक पैरासाइट होता है

सितंबर 2023 में रिसर्चर्स जो है मरीन बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नए स्पीसी का नाम दिया है मरीन टार जो कि वो डिस्कवर किए गए डिस्कवर किया गया था ठीक है तो ये जो मरीन टारडीग्रेड है इसका नाम दिया गया है इसकी डिस्कवरी हुई और इसका नाम पूर्व रह चुके राष्ट्रपति के नाम पर दिया गया है क्या नाम है के आर नारायणन प्रतिभा पाटिल प्रणब मुखर्जी एपीजे अब्दुल कलाम या रामनाथ कोविंद किसके नाम पर किया गया बताइएगा सी ए डी इसका आंसर है एपीजे अब्दुल देखो जब भी ए पीजे अब्दुल कलाम का नाम आ जाए और कोई ऐसी साइंटिफिक चीजों की डिस्कवरी की गई हो तो अपने आप समझ जाना ये अब्दुल कलाम जी के नाम पर ही होगा खैर इसका आंसर क्या था ए पीजे अब्दुल कलाम तो ये ट्रिब्यूट है मिसाइल मैन डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम को जो भी रिसर्चर्स है क्यूसैट के इन्होंने एक नया स्पीसीज जो है अभी खोज निकाला है मरीन टार्डिग्रेड और इसका नाम जो है अब्दुल कलाम जी के नाम पर दिया गया है नाम क्या है बैटेलिपिस कलामी ठीक है ये नाम दिया गया है जो कि अब्दुल कलाम जी के नाम पर है <coughs> अगला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैज बीन नेमड सिलेक्टेड एज बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 23 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ठीक है तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब किसको दिया गया है किरीतेश्वरी विलेज हम्पी कंथलूर शेरगांव या फिर विश्वनाथ घाट चलो इसका आंसर क्या है दोस्तों ए एंड डी दोनों को दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर है विश्वनाथ घाट असम ठीक है विश्वनाथ घाट असम को सेलेक्ट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विश्वनाथ घाट को सेलेक्ट किया गया था 791 एप्लीकेशंस में फ्रॉम 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाकी इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है जो आप देख सकते हो विच आई डी फॉर्म एज फोर्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद बैंक आई डी बैंक एक्सेप्ट ए एस टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एंड ऑपरेशन कमांड काउंटर काउंटर इन ओस्लो ठीक है तो कौन अभी अभी अग्रीमेंट किया है, बैंक आई डी और बैंक एक्सेप्ट के साथ में ओके okay, ये भी हम लोगों ने कर रखा ऑलरेडी ठीक है ये करने वाला कौन था टी सी एस टी सी एस ने इनके साथ में साइनिंग की थी कि एक अपना क्या करेगा एक अपना कमांड सेंटर शुरू करेगा नॉर्वे के अंदर और नॉर्वे के अंदर ये जो दोनों संस्थाएं हैं बैंक आई डी बैंक एक्सेप्ट इनके साथ मिल करके अपनी जो भी इनकी पेमेंट सॉल्यूशन है या उससे रिलेटेड चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा तो ये साइनिंग की गई है टी सी एस के साथ में कौन से क्रिकेटर ने अपना तीसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड लिया है अगस्त 2023 में ऑप्शन है आसिफ शेख बाबर आजम शाकिब अल हसन वन हसरनंगा या केशव महाराज यस ये तीसरी बार दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है बाबर आजम को ठीक है तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी स्कीपर हैं इन्हें तीसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जा रहा है अगस्त 2023 में अगला सितंबर 2023 में जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने ये पब्लिश किया था एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ राइनो 2023 जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया था कि जो करंट पॉपुलेशन है और जो ट्रेंड है सरवाइविंग राइनो स्पीसीज का एशिया और अफ्रीका रीजन में वो कैसा है बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कितने इनकी स्पीसीज होती है फाइव फोर थ्री सेवन या सिक्स ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी है कि इनकी नंबर ऑफ स्पीसी कितनी होती है अगर आप में से किसी को याद हो तो टोटल फाइव स्पीसीज होती है राइनो की मैंने आपको क्लास में बकायदा बताया था कौन कौन सी एशिया में पाए जाते हैं कौन कौन से अफ्रीका में पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो देखो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था स्टेट ऑफ द राइनो 2023 इसमें इन्होंने बताया था कि करंट पॉपुलेशन जो है वो कैसी है हर साल वर्ल्ड राइनो डे को 22 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं ताकि राइनो के बारे में क्या किया जा सके लोगों को जागरूक किया जा सके ठीक है पहली बार इसकी अनाउंसमेंट कब की गई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा की गई थी इन 2010 ओके okay? चलो क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि ये जो फाइव राइनो स्पीसीज हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जो एशिया अफ्रीका एशिया में रहते हैं कितने ऐसे हैं जो अफ्रीका में रहते हैं देखो इनके नाम क्या होते हैं न जवन आ, ब्लैक वाइट ग्रेटर वन हॉन्ड राइनो ठीक है सुमतरन जवन ग्रेटर वन वनहॉन्ड ब्लैक एंड वाइट ठीक है तो सुमतन ग्रेटर वन हॉन्ड ये सब एशिया में पाए जाते हैं बाकी ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ पाए जाते हैं अफ्रीका में ओके सितंबर 2023 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने रिलीज किया था ड्राफ्ट पेटेंट रूल्स इस नए रूल के मुताबिक जो टाइमलाइन है रिक्वेस्ट डालने के लिए फॉर एग्जामिनेशन has been reduced from 48 to how many months? 38, 31, 42, 28 या 24. Good morning. B. बताओ भाई बाकी लोग भी. देखो. इसका सही आंसर है थर्टी वन ठीक है जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है इन्होंने एक नया ड्राफ्ट पेटेंट रूल निकाला है ठीक है तो जो टाइमलाइन एडजस्टमेंट है कि रिक्वेस्ट फाइल किया जा रहा है फॉर एग्जामिनेशन इसको फोर्टी एट से थर्टी वन मंथ कर दिया गया जो है जो वर्किंग स्टेटमेंट है पेटेंट होल्डर ये अब अपनी वर्किंग स्टेटमेंट देंगे ठीक है एनुअल रिपोर्ट अबाउट द यूज वंस इन एवरी थ्री ईयर्स तो जब भी ये लोग कोई भी ऐसे पेटेंट होल्डर्स वगैरह काम कर रहे हैं तो जिस चीज का भी पेटेंट है या जो भी चीजें हैं लोग देख रहा उसकी रिपोर्ट तीन साल में एक बार इन्हें सबमिट करनी होगी ठीक है? फ्रॉम बेनू कलम तो ऊटा डेजर्ट में अभी अभी नासा का एक मिशन था ठीक है जिसको ऊटा डेजर्ट में इन्होंने लैंड कराया है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिशन था ये इसका नाम क्या था इल्यूस यूक्लिड या फिर इंटेग्रल इसका आंसर क्या है ओसिरस रेक्स ठीक है तो नाश्ता का पहला सैंपल आया है एस्टेरॉइड का जिसमें डीप स्पेस हैव लैंडेड सेफली ऑन अर्थ और इसके बाद से इसको क्या किया गया ऊटा में लैंड कराया गया ये ये जो नासा का रेक्स मिशन है, इसमें इस है इसमें इन्होंने इन्होंने कलेक्ट किए हैं बेनू से. Culminate September 24 with a soft landing in ये भी पूछा जा सकता है कि कराई थी, करा थी. तेईस में इंडिया और किसने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया था इनिशिएटिव बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ कंट्री इन ग्लोबल साउथ वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर बताइएगा

जिस तरीके से अभी इंडिया की बात हो रही है ग्लोबल लीडर बनने की वैसे वो भी कंट्रीज अशर कर सके सितंबर 2023 में इंडिया ने रीच किया था एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन स्वच्छ भारत मिशन फेज का ठीक है कितने प्रतिशत गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ प्लस का स्टेटस ले चुके हैं ऑप्शन है साठ परसेंट पचहत्तर परसेंट अस्सी परसेंट पचासी परसेंट या नब्बे परसेंट चैलेंजेस पचहत्तर परसेंट पचहत्तर परसेंट ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने वहां पे क्या कर लिया था ओडीएफ प्लस का स्टेटस ले लिया है अच्छा एक बात बताओ भारत के सभी गांवों को ओडीएफ का स्टेटस किस ईयर में दिया गया था ओडीएफ का स्टेटस किस ईयर में दिया गया था भारत के सभी गांवों को बताइएगा 2019 में स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्चिंग कब की गई थी ये भी बताओ गुड मॉर्निंग स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्चिंग की गई थी 2014 में खैर तो ये ओडीएफ प्लस की बात हो रही है पचहत्तर परसेंट ऐसे गांव है जहां ओडीएफ प्लस हम लोगों ने ऑलरेडी जो है अचीव कर रखा है और सरकार ने यह भी कहा है कि हमारे देश के 100 प्रतिशत गांवों में ओडीएफ प्लस स्टेटस अचीव कर लेंगे 2025 तक ओडीएफ और ओडीएफ प्लस क्या है अगर आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स देखनी होगी वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग डेड इन बनारस रिलीज बाई हार्पर कॉलिंस अमिताभ घोष अरविंद अडिगा जुम्पा लरी अरुंधति रॉय या फिर राधिका अयनर ई यानी कि वॉट ई यानी कि राधिका अयर देखो जरा इसका सही आंसर है राधिका राधिका जो ऑथर है फायर ऑन द लाइफ अमंग डेड इन बनारस इसकी रिलीज की गई है हार्पर के द्वारा ठीक है चलो रिसेंटली शैटर्ड द वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन शी बिलोंग्स टू विस नेशन ठीक है तो टिक्स असिफा कौन से देश को बिलोंग करती है साउथ अफ्रीका केनिया नाइजीरिया इथियोपिया या फिर अर्जेंटीना पता नहीं सीधा सा आंसर है बिल्कुल पता नहीं जाओ जो, जो करना है करो हाँ तो देखो इसका आंसर क्या था इसका आंसर था इथियोपिया ठीक है एथियोपिया की जो टिक्स असेफा इन्होंने अभी अभी मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बना लिया है बर्लिन में, लुपिंग चोकन, नाम क्या था टिका कौन सी एडिशन हुई अभ्यास की पच्चीस से आठ अक्टूबर तक पच्चीस सितंबर से आठ अक्टूबर तक अठारहवीं सत्रहवीं उन्नीसवीं बीसवीं या इक्कीसवीं कौन से नंबर की एडिशन थी मंथली मैगजीन आप लोगों को ऐप पर मिलता है वहां पर ऑलरेडी अपलोड हो जाता है इसका आंसर क्या इस है इसका आंसर है नाइनटींथ ठीक है तो ये उन्नीसवा चरण था एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का जो कि कंडक्ट किया जाएगा 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में और बाकी युद्ध अभ्यास के बारे में लिखा है तो ये इंडिया और यूएस की आर्मी करती है इस बार ये कहाँ पर हो रहा है इस बार ये अलास्का के अंदर किया जा रहा है ठीक है हाँ भाई इस बार ये अलास्का के अंदर नहीं इवनिंग की कोई क्लास नहीं होती है मेरी मॉर्निंग ही होती है मुझे जो है ना डॉक्टर ने एक दवा दे दिया तो मैं वो दवा खा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी वो ऐसी बेहोशी वाली दवा है तो अगली बार से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लोग वो दवा खा सकते हैं उसको खा उसको खाने के बाद ना ना तो सुबह नींद खुल पाएगी और अगर बाई चांस नींद खुल भी गई तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी जो है ना वो पूरी ऐसी ड्रेन हो चुकी होगी कि तुमको गुड मॉर्निंग बोलने का भी मन नहीं होगा ऐसी खतरनाक टाइप की दवा है ऐसी की तैसी चलो अगला देखो बफ नहीं हो रहा यार शुभ शुभ बोलो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग व स्ट्रॉन्ग क्या हो यार पढ़ाना तो है ही पढ़ाऊंगी तो यही स्ट्रॉन्ग ही strong की क्या मतलब एक जनरल बात आप लोगों को बता रही हूँ उस दवा को खाने के बाद से मेरी आंखें अभी मैं क्लास में अब मेरी क्लास में भी आंखें नहीं खोल रही मैं किसी तरह से आंखें खोल खोल के क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद हैं आंसर्स याद हैं एक्सप्लेनेशन याद हैं लेकिन उस क्वेश्चन को रीड करना मेरे लिए एक टास्क बन गया है अभी यहाँ पर और उस एनर्जी के साथ में बोलना तो और बड़ा टास्क है ठीक है सो आई नीड टू हैव अ बूस्ट रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज़ आइडेंटिफाइडिफिक सर्कुलर आर एन ए सर्कल आर जिसका नाम है सिट्रैन जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एड्स कॉजिंग एच आई वी वन वायरस विद इन द ह्यूमन बॉडी ठीक है तो कहाँ की साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया गया है ठीक है कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं ऑप्शन देखो और आंसर करो नैनो नैनो साइंस साइंस दवा का नाम बता दूंगी मैं बता दूंगी ठीक है जिसका जिसको मैं उसको तुम लोग वही दवा दे देना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं ठीक है रिसर्चर्स इस इंस्टीट्यूट के आइडेंटिफाई किए एक स्पेसिफिक सर्कुलर आर जिसका नाम क्या है सिट्रैन यह भी सवाल बन सकता है कि सिट्रैन को खोज करने वाली या ये किसका नाम दिया गया ऐसे भी सवाल आपसे बन सकते हैं ठीक है डॉकिंग ऑफ फर्स्ट शिफ्ट एट विज इन जैम इंटरनेशनल सीपोर्ट है ओडिशा केरल या आंध्र प्रदेश ठीक है तो आपसे पूछा किया जा रहा है कि ये जो डॉकिंग है पहली शिफ्ट डॉकिंग ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट एट किस पोर्ट पर बात की जा रही है विज इन जैम इंटरनेशनल सी पोर्ट इसको डेफर कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए आपसे पूछा जा रहा है ये सीपोर्ट कौन से राज्य में स्थित है हाँ भाई ये स्थित है केरल के अंदर ठीक है तो केरल के अंदर यह स्थित है और अभी अभी इसको डेफर कर दिया गया यानी कि आगे के लिए अभी बढ़ा दिया गया है अगला देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नॉर्म्स बेसिल थ्री कैपिटल फ्रेमवर्क का फंड रेजिंग एक्सपोजर गाइडलाइन और नॉर्म्स क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंटली कितने ए भारत के अंदर है जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है फाइव फोर थ्री टू वन AIFI के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने AIFI हैं भारत के अंदर जिनको RBI रेगुलेट करता है yes. Currently, भारत के अंदर कुल ऐसे पांच AIFI हैं. AIFI होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कुल ऐसे पांच AIFI हैं भारत के अंदर स्थित जिनको भारत जिनको RBI रेगुलेट करता है इनके नाम क्या होते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पहला होता है Exim यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया दूसरा होता है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फिर होता है NAPFID, है ठीक हाँ जी ओके नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फिर होता है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी और फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जितनी ए आई होती है ना ये सब की सभी सब बाकी बैंकों की तरह अपने पे सी वगैरह सब मेंटेन करती हैं ठीक है रिसेंटली फर्स्ट सी टू नाइन फाइव मेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर्मली इंडक्ट कर दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में इंडियन एयरफोर्स एयरबेस कहाँ पर किस एयरबेस पर इसको इंडक्ट किया गया था सी टू नाइन फाइव मेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सॉरी MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुरुग्राम आगरा गाजियाबाद बिडार या फिर बेंगलुरु नेक्स्ट कहां से क्या है गाजियाबाद हिंडन एयर बेस पे बेसिकली इसको इंडक्ट किया गया है ठीक है सी टू नाइन फाइव मेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इसको फॉर्मली इंडक्ट कर दिया है रक्षा मंत्री जी की प्रेजेंस में ओके और ये जो सी टू नाइन फाइव एयरक्राफ्ट है ना इसके लिए भारत जो है ये एयरबस एक कंपनी है इसके साथ में अग्रीमेंट की थी कि ऐसे छप्पन एयरक्राफ्ट को बोलेगी इक्कीस करोड़ में तो एयरबस बनाएगी और बाकी का जो एयरबस शुरू के कुछ बनाएगी और बाकी की जितने भी होंगे वो टाटा को दे देगी बाकी फर्दर टाटा उसको प्रोड्यूस करेगा ठीक है रिसेंटली सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है सेवरल रिलेक्सेशन फॉर लार्ज कॉर्पोरेट टू फाइनेंसिंग नीड फ्रॉम डेट मार्केट इनिशियली सेबी ने मैंडेट किया था कि जितने भी लार्ज कॉर्पोरेट हैं उनको कितना परसेंटेज जो है फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट का रेस करना होगा डेट मार्केट से पच्चीस तो कम रेज कम से, से करना होगा ये सेबी ने एक नियम रखा था वही पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज था इसका आंसर क्या होगा पच्चीस परसेंट देखो सेबी हमारे वहां पे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर होता है तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया तमाम रिलेक्सेशन लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए ताकि फैसिलिटेट किया जा सके उनकी जो भी पैसों की जरूरत है उसको पूरी बेसिकली से कहा जा रहा था कि इससे बॉन्ड मार्केट भी बढ़ेगा ओवरऑल जो मार्केट है उसकी भी ग्रोथ देखने को मिलेगी जैसा कि डेटा आई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से वाहन डैशबोर्ड जो की स्टेट विच स्टेट हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा जो उसको बेचने वाला स्टेट था ये कौन सा था वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड दिस ईयर ठीक है तो सबसे ज्यादा जो बिकी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कहाँ पर बनी है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑप्शंस में कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु या हरियाणा इसका आंसर होगा तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु जो है ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बना है जो कि बिकी है इस साल ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का एक डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड का नाम है वाहन डैशबोर्ड इनके मुताबिक ये खबर मिली है तो दस लाख ईवीज जो कि बिकी है देश भर में इनमें से चार लाख को केवल तमिलनाडु के अंदर ही आ, बनाया गया था जो ईवीज है ये दो और फोर व्हीलर्स हैं ठीक है जिसमें जो कार है उसको हमारे देश में दस कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है रिसेंटली कौन सी बैंक ने सक्सेसफुली रेस किया था दस हजार करोड़ इशुएंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एट एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ सेवन पॉइंट फोर नाइन तो कौन से बैंक ने इसको किया था बताइएगा बैंक ऑफ बरोडा एक्सिस बैंक एसबीआई पी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र सी 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 बोले तो वोट सी बोले तो पंजा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलो ठीक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली रेज किया है दस हजार करोड़ का इशुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ सेवन पॉइंट फोर नाइन परसेंटेज ठीक है रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है आर्म्ड फोर्सेज इन पार्ट्स ऑफ विच स्टेट बाई अनादर ठीक है तो अफसवा को अगले छः महीने के लिए लागू कहाँ कर दिया गया है नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम ए एंड बी या बी एंड सी सरोज कुमारी जब तुम्हारी पहली क्लास है तो तुम्हें कहाँ से आंसर आ जाएगा मैंने तो बोला ही था जिसकी पहली क्लास है वो कभी नहीं कर पाएगा अब जो यहाँ पे आंसर्स कर रहे हैं वो डेली आते हैं तो पहले तुम्हें एक हफ्ते पढ़ना होगा उसके बाद में तुम आओगे तब होगा ठीक इस इस है इसका आंसर क्या है इसका आंसर है ए एंड बी ठीक है तो का तो हम लोग को पता ही था अभी देख लो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अफ्सपा को जो है नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में छह महीने से और बढ़ा दिया इसके अलावा और कहाँ बढ़ाया है मणिपुर में भी बढ़ा दिया है लेकिन उसमें छह महीने नहीं था उसमें कहा गया था कि वो बस बढ़ा दिया है ठीक है याद रखिएगा अगला मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह ने इनोग्रेट किया है इंडिया एनर्जी समिट 2023 फिक्की फेडरेशन हाउस कहां पर मुंबई नई दिल्ली चेन्नई बेंगलुरु या फिर हैदराबाद चलो इसका आंसर क्या है दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू रिनेबल एनर्जी आर के सिंह जी ने इनग्रेट किया है इंडिया एनर्जी समिट 2023 फिक्की फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में दो दिन का समिट है जिसका मकसद होगा डेवलपमेंट ऑफ एनेबलिंग ग्रीन हाइड्रोजन इको इन द कंट्री अगला किसने लॉन्च किया अपने तरीके का हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इंडिया गेट से नई दिल्ली में ठीक है तो इसकी लॉन्चिंग किसने की थी अमित शाह अरविंद केजरीवाल निर्मला सीतारमन हरदीप सिंह पुरी नरेंद्र मोदी किसने की है बताइएगा हाँ भाई मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं डी 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 विच इज करेक्ट हरदीप सिंह पुरी जी ने जो है इनोग्रेट किया था भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इंडिया गेट नई दिल्ली से ठीक है अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन किस कंट्री में चली थी आंसर्स करते चलो फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन ट्रेन किस कंट्री में चली थी जर्मनी में चली थी और जर्मनी में ये जो ट्रेन चली थी इसको बनाने वाली कहां की कंट्री थी इसको बनाया था किस कंट्री के कंपनी ने फ्रांस की कंपनी थी एलस्टम उन्होंने जर्मनी वाली ट्रेन को बनाई थी जो जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन रन की थी पहली बार एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चली थी बताइएगा हाँ भाई पहली बार एशिया में चाइना में चली थी खैर देखो रिसेंटली विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सेवेंथ टाइगर रिजर्व बनाया किस स्टेट का कर्नाटका राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ का ये सेवेंथ टाइगर रिजर्व बना है ऑप्शन देखो और आंसर करो एम पी एम पी एम पी एम पी इसका आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश ठीक है तो मध्य प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर किया है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये सातवा टाइगर रिजर्व बन रहा है मध्य प्रदेश का जो एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व हैं ये छह हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं काना बांधवगढ़ पन्ना पेंच संजय दुबरी और ठीक है अभी ये बन रहा है जो एडिशन है वीर, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का ये स्टेट की जो भी कमिटमेंट है टाइगर कंजर्वेशन की उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा अगला हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मिंग एचपी इनटू अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय मार्च ऑफ ईयर तो HP को ये ग्रीन एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट करने को कहें किस साल तक दो हजार छब्बीस सत्ताईस या पैतीस इंग्लिश की क्लास संडे को होती है क्या इंग्लिश की क्लास आज संडे अगर तुम लोग को याद हो तो इसका आंसर क्या है 2026 ठीक है तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू जी ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का इसका मकसद यही है कि पेपरलेस वर्क कल्चर बढ़ सके ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है और सरकार जो चाहती है कि एचपी को एक ग्रीन एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट कर सके दो तक इसके अंदर भी ये किया गया है कौन से प्राइम मिनिस्टर ठीक है इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्सटेंड किया इनविटेशन प्रेसिडेंट को कौन से नेशन के ताकि वो चीफ गेस्ट बने हमारे वहां इंडिया के रिपब्लिक डे जनवरी 26 2024 में नॉर्वे फ्रांस साउथ अफ्रीका यूएसए या फिर सऊदी यूएसए 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 देखो इसका सही आंसर है यूएसए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएसए के प्रेसिडेंट को अभी अभी अपनी तरफ से इनविटेशन दिया है कि वो हमारे वहां पर इस बार का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है इसमें क्या बने इसमें चीफ गेस्ट बने 2024 में 2023 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे अभी फिलहाल में ये यूएसए के प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए बोल रहे हैं ठीक है कि ये आएंगे हमारे वहाँ छब्बीस जनवरी की परेड में चीफ गेस्ट बनेंगे ओके गे? चलो अगला देखो हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICICI LOMBARDS GENERAL INSURANCE जो कि अपनी पोजीशन से चौदह साल के बाद रिजाइन देने वाले हैं प्रशांत कुमार वी वैद्यनाथन अतुल कुमार गोयल सीवीआर राजेंद्रन या भार्गव दास, दे, दास गुप्ता देखो इसका सही आंसर है भार्गव दास गुप्ता भार्गव दास गुप्ता जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आईसीआईसीआई सी, आई सी, आई सी, आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के हैं पिछले चौदह साल से ये अब क्या करेंगे ये अपनी पोजीशन से रिजाइन देंगे ये ज्वाइन करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक को वहां के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर तीन साल के लिए ठीक है किसको नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट कोलकाता बेस सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का सुरेश गोपी अजीत कुमार विजय देवरा कोंडा पवन कल्याण या फिर कमल हासन क्या है दोस्तों सुरेश गोपी ठीक है मलयालम एक्टर और पॉलिटिशियन सुरेश गोपी है, इनको नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता सत्यजीत राय एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का इनको कितने साल के लिए नामित किया गया? यहां पर तीन साल के लिए ठीक है इनका नाम याद रखिएगा अगला विच ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी टू रेज अपजेंड करोड़ थ्रू इट्स मेड इन पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस बजाज फिंस सुंदरम फाइनेंस आई या फिर आदित्य बिरला फाइनेंस बताइएगा इसका आंसर क्या है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड तो जो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है है ये एक सब्सिडियरी होती आदित्य बिरला कैपिटल की ये वो दो हजार करोड़ रुपए ये रेज करने वाले हैं अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की से ठीक है कौन सा नेशन वुमेन्स क्रिकेट टीम क्लिंच किया है गोल्ड और श्रीलंका को हराया है उन्नीस रन से फाइनल मैच ऑफ एशियन गेम्स में किसके बारे में आपसे किया जा रहा है बात वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल या फिर हांगकॉन्ग इंडिया इंडिया देखो इसका सही आंसर है इंडिया ठीक है एशियन गेम 2022 में जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है इन्होंने सेकेंड गोल्ड जीता है और किसको हराया श्रीलंका को हराया है उन्नीस रन से इन्होंने स्मृति मंदाना ने यहाँ पे काफी अच्छा खेला था और इंडिया की जो ट्रायो है रुद्रांश पाटिल अच्छा हाँ ये खैर इसको रहने दो अभी ठीक है ये एक दूसरा मतलब एशियन गेम्स के अंदर ही हुआ था एक नया रिकॉर्ड लेकिन ये शूटिंग से रिलेटेड है ये क्रिकेट से रिलेटेड है तो इसको यहाँ पे रहने दो

ठीक है दो ही चार क्वेश्चन और बचे हुए इनफैक्ट दो बचे हुए हैं बस एल एन मर्स की बायोग्राफी रिटर्न बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन ऑथर जर्नलिस्ट लुइस एल आर्मर वॉल्टर वॉल्टर सैक्सन लैरी क्रैमर एनर्ट कलोडोनी या टोनी कुशनर बताओ भाई

हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा कौन सी इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें इन्वॉल्व है आईओसीएल ठीक है तो देखिएगा इसका सही आंसर है आईओसीएल भारत की जो टॉप ऑयल फॉर्म है इन्होंने अनवील किया है भारत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर एमिट करेगा ठीक है चलो तो ये हमारी आज की सेशन थी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना था क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसे लगता है कि क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे आंसर्स वगैरह अभी मैं कर दूंगी कोई तो भी अगर ऐसा है जिसे लगता है कि क्वेश्चन के अलावा उसे और भी चीजों को जो है पढ़ना है और भी चीजों को समझना है ठीक है तो एक बात को जरा सभी लोग ध्यान रखे रहेगा इम्पोर्टेंट है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आना आप लोगों का ज्यादा जरूरी है ठीक है डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो कि सिक्स फोर्टी फाइव ए एम पर होती है ये आप सभी के लिए मैंडेटरी है ठीक है क्या है ये आप सभी के लिए मैंडेटरी है अगर नहीं कर रहा हो तो अभी से करना शुरू कर दो बिकॉज because... तो, हाँ मैं ठीक हूँ बस मैंने बताया ना कि मुझे थोड़ा सा वो है मतलब मैंने जो दवा खाई है उसका असर खतरनाक सा है तो उस दवा के सब कारण है और कुछ भी नहीं खैर चलो ठीक है दोस्तों तो याद रखिएगा डेली सुबह आना आप लोगों को सुबह 6:45 पर जहां तक मैं कल भी क्लास लूंगी भले दो अक्टूबर है लेकिन लूंगी तो क्लास ठीक है तो यहाँ पे आप ज्वाइन करो क्योंकि जब तभी तो वीकली, वीकली में अच्छा कर पाओगे। so फिल्म, फिल्म मिलते हैं। तब तक घर पे यू फॉर ज्वाइनिंग जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू यू पीपल एंड टेक नियर बाय और अंगूठे लगा दो अंगूठे लगा दो बाय